हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेकअप स्टोरी बाय शेफू। सो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे और मेरी वीडियोस एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं बात करूंगी एक बहुत गाइस, आज जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस वीडियो में वो है हमारी आईब्रोज को लेके, जो बहुत ही एक सीरियस टॉपिक है। क्योंकि जब हमारी आईब्रोज बनी नहीं होती तो हमें बहुत होता है कि कैसे जाएंगे बाहर, और फेस बहुत गंदा सा लगने लग जाता है अगर हमारी आईब्रोज अपनी फुल ग्रोथ में होती हैं। और जब ऐसा टाइम चल रहा हो कि पार्लर वगैरह सब बंद हैं तो क्या करें, अगर आपको अचानक कहीं जाना पड़ जाए या ये टाइम पीरियड में नहीं भी जाएंगे, अगर कभी आपके साथ लाइफ में ऐसा हो जाए कि आपके आईब्रोज नहीं बनी हुई हैं, अचानक आपके पास कॉल आ जाए कि हाँ इस पार्टी में जाना है और आपके पास टाइम भी नहीं है कि आप पार्लर जाके उसको बनवा सकें, तो अपनी ऐसी आईब्रोज़ को आप फिल करके कैसे अच्छे से दिखा सकते हैं वो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आज। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस वीडियो के लिए तो क्या करना है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना है, पसंद और हेल्पफुल लगे तो शेयर करना है, और अगर आप न्यू मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना है और बेल बटन पे भी हिट कर देना, ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी सी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले मैं बता दूं कि आज मैं आईब्रोज फिल करने के लिए जिस प्रोडक्ट का यूज़ करूंगी वो है ये मालियाओ का आईब्रो केक। ये मैंने अभी रिसेंटली अपने हॉल में शेयर किया है, जो कफ्स एंड लेसेस हैं। तो मैंने सोचा चलो इसको लेके एक रिव्यू भी हो जाएगा और एक हेल्पफुल वीडियो भी हो जाएगी हम लड़कियों के लिए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं वीडियो देखने के लिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, सबसे पहले इसकी पैकेजिंग के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये सिंपल से ऐसी कुछ कार्डबोर्ड पैकेजिंग है, बैकग्राउंड नॉइस आ सकता है तो उसके लिए थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। तो कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है और इसकी इनर पैकेजिंग कुछ इस तरीके से है, बहुत ही प्यारी सी प्रिटी सी पैकेजिंग है, स्मॉल सी। और इसमें आपको एक ब्रश मिल जाता है जो काफ़ी यूज़फुल है आपकी आईब्रोज़ को फिल करने के लिए, और 4 शेड मिल जाते हैं आपको आपकी आईब्रोज़ फिल करने के लिए, जो यूजुअली सारी आईब्रोज़ के कलर के साथ चले जाएंगे। और अगर आपको आपका आईब्रो कलर नहीं मिल रहा है तो आप मिक्स एंड मैच करके अपनी आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं। तो ये 4 शेड है, इसकी पैकेजिंग हो गई। इससे ये मुझे मिला था 150 रुपीज़ में, और इसका रिटेल प्राइस तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ये कफ्स एंड लेसेस पे 150 का ही मिला था। शायद 150 का ही हो या ऑफ़र चल रहा हो, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अभी उनकी वेबसाइट बंद है तो जब ओपन हो जाए तब आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो 150 रुपीज़ में काफ़ी हैंडी चीज़ है आपको अपनी आईब्रोज फिल करने के लिए, क्योंकि आईब्रोज़ के प्रोडक्ट बहुत ही महंगे आते हैं। तो चलिए ट्राई आउट करते हैं इसको कि कैसा है ये, और दिखाते हैं आपको जब आपकी आईब्रोज बिल्कुल भी ना बनी हो और आपको कहीं जाना पड़ जाए तो आप अपनी आईब्रोज को कैसे फिल कर सकते हैं। वैसे आप देख लीजिए मेरी आईब्रोज अभी फुल ग्रोथ है, इनकी बिल्कुल भी नहीं बनी है। मैंने सोचा था बनवाने के लिए बट लॉकडाउन की वजह से मैं नहीं बनवा पाई। तो चलिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ पहले, ताकि आप लोग अच्छे से देख पाएँ। मैं इस वीडियो में इस ब्रश का यूज़ नहीं करूँगी क्योंकि बहुत ही स्मॉल है और मेरी आईब्रोज जैसे कि आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा थिन है, तो इससे मुझे फिल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। बट ट्राई करते हैं इसी से, ठीक है। मेरी आईब्रोज पे ये वाला शेड जाएगा क्योंकि मेरी आईब्रोज बहुत ज़्यादा थिन है, तो मैं इसी से अपनी आईब्रोज को फिल करूँगी। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रोडक्ट को लेना है बहुत ही थोड़ा थोड़ा और अपने आईब्रोज के एंड से नीचे से एक लाइन ड्रॉ करनी है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रोक्स में लाइन ड्रॉ करनी है, एक साथ ही नहीं ऐसे लकीर खींच देनी है, बहुत ही स्मॉल स्ट्रोक्स में लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। जो भी शेप आप चाहती हैं या जो भी आपकी नेचुरल शेप हो उस शेप को फॉलो करते हुए आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है इस तरीके से, ओके। देन आपको ऊपर से इतना एरिया छोड़ के एक लाइन ड्रॉ करनी है, नीचे से लाइन ड्रॉ करनी है, देन ऊपर से भी स्मॉल स्ट्रोक्स में इसके बाद। चलिए मैं वॉइस ओवर कर देती हूँ, नहीं तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी।
सो गाइज, जैसा कि आप लोग की स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड कर दिया ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप लोग आराम से इन्जॉय कर सकें। सो यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं सबसे पहले अपनी आईब्रोज़ को शेप दे दिया है। देन मैं इसके बैक एरिया से इसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में फिल करना स्टार्ट करूँगी, और बहुत ही थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट लेना है और उसे बहुत ही थोड़े थोड़े मतलब स्मॉल स्मॉल स्ट्रोक्स में अप्लाई करना है अपनी हेयर की ग्रोथ के अकॉर्डिंग। जिधर जैसे जैसे आपकी हेयर की आईब्रोज़ की हेयर की ग्रोथ जा रही है, वैसे आपको अपने आईब्रोज़ को फिल करना है। मेरी आईब्रोज़ तो बहुत हल्की हैं, सो मुझे पूरी अच्छे से फिल करनी पड़ती है। बट अगर आप की आईब्रोज़ हैवी हैं तो आप अपनी आईब्रोज़ के स्पार्स एरिया जहाँ जहाँ पे आपको लगता है कि बाल कम है वहाँ वहाँ पे आप उसको फिल कर सकते हैं। देन देखिए, अब पूरी आईब्रो फिल हो गई है बहुत ही आराम से। देन मैं स्पूली से कॉम आउट करूँगी और अपने फ्रंट पार्ट पे आऊँगी। सो इसे कॉम आउट इसलिए करूँगी क्योंकि ताकि जितना भी प्रोडक्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ अच्छे से ब्लेंड आउट हो जाए और पाउडरीनेस जितनी भी है वो झड़ जाए और सब कुछ बहुत ही नेचुरल लगे। देन आपको अपने ब्रश को इस तरीके से होल्ड करना है, देन ऊपर की तरफ फ्रंट एरिया में अपने आईब्रोज़ के फ्रंट एरिया पे ऊपर की तरफ स्ट्रोक्स लगाने हैं ताकि जैसे हमारे फ्रंट के हेयर थोड़े ऊपर की तरफ होते हैं ना, उसी तरीके से आपको स्ट्रोक्स डालने हैं ताकि वो बहुत ही नेचुरल लगे। सो यहाँ पे फिर मैं स्पूली की हेल्प से उसको कॉम आउट कर लूँगी। देन अपनी दूसरी आईब्रो को भी सेम ही तरीके से फिल कर लूँगी। पहले एक स्ट्रक्चर दूंगी जैसी मेरी आईब्रोज़ का शेप मुझे चाहिए, देन उसे फिल करूंगी। सो यहाँ पे पहले मैंने उसी पैलेट के ब्रश से अप्लाई किया, देन मैंने ये बड़ा ब्रश ले लिया है दूसरी आईब्रो को फिल करने के लिए क्योंकि उससे बहुत टाइम लग रहा था मुझे। मुझे ये बड़े ब्रश से आईब्रोज़ को फिल करना बहुत ही ईजी रहता है, इसीलिए मैं बड़े ब्रश का यूज़ कर रही हूँ। आप लोगों को जिससे हेल्पफुल लगे आप उससे उसे फिल कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, फिर से एक बार स्पूली से कम आउट कर लेना है ताकि कोई वो न रह जाए कि आपके आईब्रोज़ अलग से कुछ लगा रखा है आपने, सब कुछ अच्छे से ब्लेंडेड लगे। देन आपको एक फ्लैट ब्रश लेना है और कोई भी कंसीलर लेना है जो आप यूज़ कर सकते हो करते हों सो उसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज़ की एजेस को क्लीन करना है ताकि आपकी आईब्रोज़ शार्प दिखें, क्लीन दिखें, एकदम समझ रहे हैं ना मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एकदम आपकी आईब्रोज़ एकदम शार्प लगें, बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि आपने जो फिल किया है वो इधर उधर लकीरें जा रही हैं। ऐसा करने से आपकी आईब्रोज़ एकदम क्लीन हो जाएंगी, एजेस क्लीन हो जाएंगी तो आपकी आईब्रोज़ एकदम शार्प लगने लगेंगी, लगेगा आपने बनवाई हैं देन फिर उसे फिल किए हैं। तो बहुत ही आसान है आईब्रोज़ को फिल करना और इसी तरीके से आप अपने आईब्रोज़ को फिल कर सकते हैं अगर आपकी आईब्रोज़ बनी भी हैं तब भी और नहीं भी बनी है तब भी। देन बस क्लीन कंसीलर से क्लीन कर लीजिए ताकि कोई भी वो डर ना रहे कि प्रोडक्ट इधर उधर जो लग गया हो वो भी कंसीलर की हेल्प से अच्छे से क्लीन हो जाएगा। देन आपको ब्लेंड कर लेना है कंसीलर को, ऊपर जब कंसीलर लगाएंगे तो उसको ऊपर की तरफ ब्लेंड करना है, चाहे आप अपनी फिंगर की हेल्प से भी ब्लेंड कर सकते हैं, और नीचे जो कंसीलर लगाया है उसे आप नीचे की आई लिड के ऊपर ब्लेंड कर लीजिए इस तरीके से। देन उसे सेट कर लीजिए और आपकी आईब्रोज़ एकदम रेडी हैं। देन अब आपको मैं मिलूंगी अपना फुल फेस मेकअप करने के बाद, अपना आई मेकअप और लिपस्टिक लगाने के बाद। सो गाइस, देखा आप लोगों ने कितना ईजी था आईब्रोज को सेट करना जब आपकी आईब्रोज एकदम बनी ना हो और आपके पास टाइम भी ना हो कहीं जाना हो जल्दी में, तो इसी तरीके से आप अपनी आईब्रोज को सेट कर सकते हैं। और तो चलिए मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय गाइस। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियोज देखने के लिए बेल बटन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी और प्रोडक्ट की डिटेल्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप चेक कर लीजिएगा वहाँ से। तो आप मैं मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और अच्छे कंटेंट के साथ। टिल देन बाय, लव यू गाइस। सो गाइज, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात करना भूल ही गई थी, तो यहाँ मैं बता दूँ कि मुझे ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा लगा, 100% रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए। तो अगर आप लोग परचेज करना चाहिए तो ज़रूर परचेज़ करिए। तो इसने बहुत अच्छे से आईब्रोज़ को फिल कर दिया और बिल्कुल भी अलग सा नहीं लग रहा था। तो अगर आप परचेज़ करना चाहिए तो ज़रूर परचेज़ करिए इसको।